स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई मूवी जर्सी के बारे में, जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और साथ ही साथ उनके पिता पंकज कपूर भी नज़र आ रहे हैं। ये मूवी वैसे तो रिलीज होने वाली थी 14 अप्रैल 2022 में, लेकिन इस मूवी को KGF चैप्टर 2 के साथ नहीं रिलीज करना इन लोगों ने बहुत ही बेहतर समझा, क्योंकि KGF चैप्टर 2 मूवी का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा था और अगर उसके साथ ये मूवी इन लोग रिलीज कर देते तो ये मूवी पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर बर्बाद हो जाती। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। तो ओवरऑल हम बात करते हैं आज इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी तेलुगु मूवी का रीमेक है और तेलुगु मूवी का नाम भी जर्सी ही था, जिसमें हमें नज़र आए थे नेचुरल स्टार नानी, और वो मूवी तो बहुत ही अच्छी थी और आप सबने देख भी रखी होगी। कितने लोगों ने, अगर नहीं देखा है आप लोगों में से किसी ने, तो मूवी आप देख सकते हो यूट्यूब पर, वो मूवी अवेलेबल है हिंदी में और वो भी फ्री में, तो आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं और मूवी बहुत ही अच्छी है। तो हम बात करते हैं जर्सी मूवी जो शाहिद कपूर की है। तो ये मूवी रिलीज होते ही अपने पहले दिन लगभग वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ की ओपनिंग ले रही है, जो कि बहुत ही कम है शाहिद कपूर के स्टारडम के हिसाब से। जिस तरीके से इन्होंने कबीर सिंह मूवी में कलेक्शन किया था, ये मूवी लगभग उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके सामने KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी मूवी खड़ी है। बात करते हैं शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मूवी मेरी चलेगी चाहे, क्योंकि मूवी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होने से कुछ नहीं होती है। लेकिन शायद वो बोल रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 तबाही है, सुनामी है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट ही लोगों के दिलों में क्रेज बना चुका था, तो ये मूवी ताबड़तोड़ कमाई तो करने वाली थी। ये बात ये लोग बिल्कुल अच्छे से जानते थे, तब भी इन लोगों ने अपने जीत को नहीं डाला, लेकिन आखिरी में इन लोगों ने मूवी पोस्टपोन कर दिया था। शाहिद कपूर ये भी कह रहे थे एक बार इंटरव्यू में कि मेरे फैंस कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूँ, अब मैं 150 करोड़ की मूवी करूँ तो अभी सक्सेसफुल हो जाएगी बॉक्स ऑफिस, लेकिन इनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि मूवी सक्सेसफुल तो हो जाएगी, लेकिन मूवी को एकदम फ्रेश स्टोरी होनी चाहिए, न्यू स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि न्यू स्टोरी नहीं होगी तो आपकी पब्लिक रीमेक देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पुष्पा मूवी के साथ ही साथ आया था 83 मूवी, और 83 मूवी किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी आप सब जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या जर्सी मूवी सक्सेसफुल हो पाएगी बॉक्स ऑफिस पर कि नहीं हो पाएगी, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।